ठीक है, हो गया बढ़िया के। तो इलेक्ट्रिक फील्ड थी, इलेक्ट्रिक फील्ड से हमने क्या निकाल दिया, पोटेंशियल निकाल दिया हम लोगों ने इलेक्ट्रिक फील्ड से। एक क्वेश्चन और कर लेते हैं इस वाली मेथड पे ना। इलेक्ट्रिक फील्ड तुमको पता है, उससे क्या निकालना है, पोटेंशियल निकालना है। ले लो स्पेस में इलेक्ट्रिक फील्ड ले लेते, कुछ भी 2xyi कैप प्लस एक्स स्क्वायर जे कैप मान लेते हैं, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है। पता है ऐसे हर कुछ मान नहीं सकते ना, जो माने वो जरूरी है, वो कंजर्वेटिव होना चाहिए। चेक करो ये कंजर्वेटिव है या नहीं, क्योंकि हम ना इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड पढ़ रहे हैं ना, फिर गलत उल्टे सीधे आंसर आएंगे उससे। चेक करो कंजर्वेटिव है या नहीं। कैसे करते हैं चेक, डेल ई एक्स वाई डेल वाई शुड बी इक्वल टू डेल ई वाई वाई डेल एक्स। ई एक्स ये है तुम्हारा, तो क्या आएगा भाई 2x, और डेल ई वाई वाई डेल एक्स ये भी 2x आ रहा है ना, कंजर्वेटिव है ना। ठीक है, तो ये हमने जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड मानी सही है। अगर ये नहीं आता तो ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड हो ही नहीं सकती थी, क्वेश्चन ही गलत हो जाता। समझ में आ रहा है क्या? ये तरीका है चेक करने का कि कोई फील्ड या कोई फोर्स कंजर्वेटिव है या नहीं टू डायमेंशन में। सिंपली डेल ई एक्स बाई डेल वाई इक्वल टू डेल ई वाई बाई डेल एक्स सेम आ जाए तो कंजर्वेटिव है। तो ऐसे ही रेंडमली एक फंक्शन लिखा, हो गया भाई सही हो गया, वो क्या हो, ऐसे साइड में नोट करके लिख लो है ना, कंजर्वेटिव है या नहीं। मान लेते हैं कोई पॉइंट ए है, इसको ओरिजिन मान लेते हैं, ओरिजिन मान लो इसको है ना। ओरिजिन पे पोटेंशियल है तुम्हारा 8 वोल्ट्स। फाइंड द पोटेंशियल एट पॉइंट पी जिसके कोऑर्डिनेट हैं 1, 2। फाइंड द पोटेंशियल एट पॉइंट पी, ये एक ही क्वेश्चन है पूरा। इलेक्ट्रिक फील्ड इन द स्पेस इज गिवन बाय ई वेक्टर इक्वल टू 2xy प्लस 2xyi कैप प्लस एक्स स्क्वायर जे कैप। पोटेंशियल एट द ओरिजिन इज एट 8 वोल्ट्स। पोटेंशियल एट द ओरिजिन इज 8 वोल्ट्स। फाइंड द पोटेंशियल एट पॉइंट पी। तुमको इलेक्ट्रिक फील्ड अगेन स्पेस में पता है, क्या निकालना है, पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक फील्ड पता है, पोटेंशियल को निकालो। तरीका वही है, डी वी इक्वल टू माइनस ई वेक्टर डॉट, यहाँ पे क्या आएगा बताओ, माइनस ई एक्स डी एक्स माइनस ई वाई। करो अब जल्दी से, हो गया वो, जल्दी निकल ले क्या है आंसर। 17/3 कितना आया तुम्हारा, और बताओ भाई, चेक कर लेने एक बार अपना। शुभम आ गया, बैठ गए बात कर रहे हो, कितना आ रहा है, 4 आ रहा है, 4 वोल्ट्स। तुम्हारा भी 4 वोल्ट्स आ रहा है, 6। देखो यार सब बिल्कुल अलग अलग आंसर, 4, 6 और पता नहीं क्या क्या, √2, √5 क्या है मीर हो रहा है। चलो फिर करते हैं ना, सिमरन बता दो भाई आंसर, ये लोग लड़ रहे हैं। चलो ठीक है फिर करते हैं, तो ठीक है करते हैं। यहाँ पर करने ही क्या है यार, अपने आप बस स्टेप्स बनती हुई चलती हैं। ई एक्स क्या है, 2xy डी एक्स। ई वाई कितना है भाई, एक्स स्क्वायर। ये कोई आसान थोड़ी ना है, ये तो गंदा वाला आ गया। समझो वाई और एक्स दोनों वेरिएबल हैं, कैसे करोगे। देखो एक्स और वाई दोनों वेरिएबल है ना, मैं क्या करता हूँ, मैं एक ऐसा पाथ चूज़ कर लेता हूँ, मैं कोई ऐसा रास्ता चूज़ करता हूँ कि एक बार मैं एक्स को वेरिएबल बनाऊँ और दूसरी बार वाई को। तो मैं क्या करता हूँ, मैं इस रास्ते से जाता हूँ, ये कोई पॉइंट मान लो बीच में ए आ गया, ओ से ए जाऊँगा और फिर क्या करूँगा, ए से पी जाऊँगा। समझो उससे फ़ायदा, वरना इंटीग्रेट नहीं कर पाओगे भाई, वाई और एक्स दोनों वेरिएबल हैं। तो इसको आसान करने के लिए मैं क्या कर रहा हूँ, क्योंकि जब मैं ओ से ए जाऊँगा तो क्या हो जाएगा, वाई कॉन्स्टेंट हो जाएगा, जब ए से पी जाऊँगा तो एक्स कॉन्स्टेंट हो जाएगा। तो हमें स्मार्टली, और ये हर क्वेश्चन में अलग अलग तरीके लगाने पड़ते हैं, वो तो क्वेश्चन देखने के बाद ही दिमाग में आइडिया आते हैं। तो चलो चलते हैं भाई, ओ से ए चलते हैं, ओ से ए, ओ से ए गए तो वाई क्या हो गया तुम्हारा, कॉन्स्टेंट। हाँ जीरो भी है, ठीक है। डी वाई कितना हो गया, 0। वाई कॉन्स्टेंट हो गया तो चेंज इन वाई इज 0। चलो ठीक, अब करते भाई, तुम्हारा डी वी क्या बन गया बताओ। डी वाई तो 0 हो गया माइनस, अच्छा वाई कॉन्स्टेंट भी है और वो कॉन्स्टेंट क्या है,
जीरो है ना, वो कांस्टेंट क्या है, जीरो। तो डीवी क्या बन गया तुम्हारा, देखो जीरो ही तो हो गया, डीवी जीरो हो गया। तो चेंज इन पोटेंशियल कितना हो गया, जीरो। तो पोटेंशियल एट ओ माइनस पोटेंशियल एट ए इज इक्वल टू, नहीं, पोटेंशियल एट ए माइनस पोटेंशियल एट ओ इक्वल टू जीरो। तो पोटेंशियल एट ए इज इक्वल टू क्या आ गया, पोटेंशियल एट ओ विच इज 8 वोल्ट्स। तो हमको एक अच्छी सी चीज पता चली, नई चीज क्या, कि ए पे भी पोटेंशियल कितना है, 8 वोल्ट। देखो आया है नहीं आया समझ में, नहीं आया तो अभी तो पूछ लो, यहीं पे डाउट पूछ लो, खत्म कर देंगे यहीं, जो डाउट है यहीं पे खत्म कर लो, है ना। चलो आगे करते हैं फिर। अब उससे ए तो पहुंच गए, अब ए से कहां जाएंगे, पी जाते हैं। ए से पी जा रहे हैं तो क्या हो रहा है, एक्स तुम्हारा कॉन्स्टेंट हो जा रहा है। यहाँ पे एक्स कितना है, इसके कोऑर्डिनेट होंगे 1, 0। तो एक्स तुम्हारा कॉन्स्टेंट तो है ही, और साथ में वो कॉन्स्टेंट क्या है, 1। तो डी एक्स कितना हो गया, 0। और वाई तुम्हारा कहाँ से कहाँ तक वेरी कर रहा है, 0 से 2। तो कितना आसान हो गया अभी क्वेश्चन, डी वी इक्वल टू आ गया माइनस एक्स स्क्वायर डी वाई, क्योंकि डी एक्स तो तुम्हारा क्या है, 0। और वो x कितना है तुम्हारा, 1। तो dv इक्वल टू माइनस डी वाई, तो लिमिट रख देते भाई, y इक्वल टू a पे कितना है भाई, y कितना है a पे, 0। जब y 0 है तब यहाँ पे पोटेंशियल va है, और जब y कितना हो जाएगा, 2, तो यहाँ पे पोटेंशियल वो तुम्हें निकालना है vp पे क्या, अरे ठीक है ना, va लिख तो दिया मैंने यहाँ पे, va इज 8 वोल्ट्स लिख दिया ना वो। तो vp माइनस va इज इक्वल टू माइनस ऑफ डी वाई का इंटीग्रेशन y, 2 माइनस 0 माइनस 2 वोल्ट्स। तो वी पी इक्वल टू क्या आया तुम्हारा, वी ए माइनस 2 वोल्ट्स। तो कितना आ गया वो, 8 माइनस 2 6 वोल्ट्स। तो यहाँ पे तुम्हारा कितना पोटेंशियल आ रहा है, 6 वोल्ट। आदेश ने गलत दिया था, सही था उसका, और आरिका ने भी सही जवाब दिया। देखो भाई डायरेक्ट इंटीग्रेट नहीं कर सकते तुम इसको, है ना, क्योंकि पहले तुम किस रास्ते पे जा रहे हो वो भी तो सोचना पड़ेगा। अगर तुम इस रास्ते पर जा रहे हो, है ना, चलो मैं इसके एक तरीका और बताता हूँ। ये मेथड नंबर 1 हो गई ना, ये समझ में आ गया सबको, डायरेक्ट इंटीग्रेशन कर रहे हो तो किस पाथ पे इंटीग्रेट कर रहे हो, इस पाथ पे एक साथ इंटीग्रेट कर दो, दो स्टेप में करोगे, कैसे करोगे, तो वही तो हमने करा है, वो तो हमने कर रखा है। अगर तुम एक बार वाई को कॉन्स्टेंट मान रहे हो, एक बार एक्स को मान रहे हो, तो वो तो हमने ऑलरेडी कर रखा है, वही तो हमने भी करा है। ठीक है, मैं बताता हूँ, देखो एक तरीका और क्या है, ये क्लियर है सबको, ठीक है। और देखना तुम लोगों ने क्या ये तरीके यूज़ करा था, जो लोग सही आंसर बता रहे थे, मैं जो अगला बता रहा हूँ वो देखो, है ना, हो सकता है वो कराओ। तो ठीक है, क्या होता है कि इंटीग्रेशन ये था पाथ पे होता है, किसी पाथ पे हम इंटीग्रेट करते हैं। जैसे इस बार अभी हमने मेथड नंबर 1 में इस पाथ पे करा, ये हमारी मेथड नंबर 1 है। अब मेथड नंबर 2 पे मैं क्या कर रहा हूँ, मैं सीधा यहाँ से लेके यहाँ पे जा रहा हूँ, ये मेरी मेथड नंबर 2 है। सीधा क्या करूँगा, ओ से पी पे जा रहा हूँ मैं। तो मेथड नंबर 2 से सॉल्व करेंगे हम इसको, सीधा ओ से पी पे जा रहा हूँ। तो बता, जब ओ से पी पे जा रहा हूँ तो क्या एक्स और वाई में से कोई भी कॉन्स्टेंट है, नहीं। तुम्हारा x कहां से कहां तक वेरी कर रहा है भाई, 0 से 1। और y कहां से कहां तक वेरी कर रहा है, 0 से 2। तुम्हारा y 0 से, ऐसे नहीं लिखना चाहिए, x तुम्हारा 0 से 1 वेरी कर रहा है और y 0 से 2 वेरी कर रहा है। तो कोई भी कांस्टेंट नहीं है। पर देखो क्या है कि जैसे ही तुमने OP पाथ डिसाइड कर लिया, x और y वेरिएबल तो है, पर x और y इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स नहीं रहे। तो मैं यहाँ पर मैं कोई भी पॉइंट लूंगा, x और y में कोई रिलेशन है ना, और उस रिलेशन को ही तो इक्वेशन बोलते हैं। तो अगेन वो दो वेरिएबल से एक वेरिएबल में कन्वर्ट हो जाएगा। बताओ भाई y और x में रिलेशन क्या है, y इक्वल टू mx, अरे ओरिजिन से पास हो रही है ना, स्लोप कितना है, 2 दिख रहा है ना, 2 y इक्वल टू 2x। तो ठीक है भाई, y और x दोनों वेरी कर रहे हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं, पर y और x में रिलेशन तो है। dy कितना आ जाएगा तुम्हारा, 2dx। अब क्या करो, y से सब कुछ x में कन्वर्ट करके सॉल्व कर देंगे। देखो ये भी एक अच्छी मेथड है। तो dv तुम्हारा बताओ क्या आ गया, माइनस 2x, और y की जगह पे
2x dx माइनस एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर को x ही रहने दो, और y dy की जगह पे 2dx। मतलब मैंने y को देखो हटा दिया पूरी इक्वेशन में से, y को हटा दिया मैंने। समझने की कोशिश करो तो, सब आसानी तो है। तो dv अपना आ गया माइनस 4x स्क्वायर dx माइनस 2x स्क्वायर dx इक्वल टू माइनस 6x स्क्वायर dx। इंटीग्रेट कर देते भाई, तो इंटीग्रेंट dv माइनस 6 इंटीग्रेंट x स्क्वायर dx, लिमिट 0 से 1 तक, x की लिमिट 0 से 1 तक है, और x इक्वल टू 0 पे पोटेंशियल 8 है, और x इक्वल टू 1 पे vp है, तो vp माइनस 8 इज इक्वल टू माइनस 6, ये क्या आएगा x क्यूब बाय 3, तो सीधा रख रहा हूँ मैं 1 बाय 3, तो माइनस 2 आ गया, यहीं से दिख रहा है सॉल्व हो गया, vp इक्वल टू क्या आ गया 6 वोल्ट्स। तो देखो यहाँ पे मैंने डायरेक्ट कर दिया। तो जब तुम कर रहे हो इंटीग्रेट तुम्हें ध्यान रखना है तुम किसी एक रास्ते पे इंटीग्रेट कर रहे हो, फिर उस रास्ते के हिसाब से हम चलेंगे। दोनों बार मैंने अलग अलग रास्ते लिए, दोनों मेथड्स बता दिए तुम्हें, जो दिमाग में आए जो अच्छी लगे उससे कर लेना। तो आगे बढ़े फिर, पोटेंशियल टू इलेक्ट्रिक फील्ड, देखो इस तरह से ऐसे भी को सॉल्व करा करो, हर क्वेश्चन दो दो तीन तीन मेथड, हर क्वेश्चन पूरी फिजिक्स क्लियर हो जाएगी तुम्हारी। बताओ आज होमवर्क दे तुम्हें, क्योंकि पोटेंशियल भी होगी इलेक्ट्रिक, ऐसे भी बताओ। चलो 15 क्वेश्चन ले लो ना, हटाओ 67 तक कर लाना, 15 क्वेश्चन 10 मिनट में मान रहा हूँ एक क्वेश्चन करना, तो कितना हो गया, नहीं ज़्यादा टाइम हो गया ना, थोड़ा कम टाइम में करना, डेढ़ घंटे में ख़त्म करना है तुम्हें जो भी है, 15 क्वेश्चन डेढ़ घंटे में ख़त्म करने हैं तुम्हें, 6 मिनट में एक क्वेश्चन करना है, यही बनना है ना सब, ठीक है। और एग्जाम्पल्स 11, 12 वही करो, 13 तक करे थे ना, 17 तक कर लेना एग्जाम्पल 17 तक करना है, और ये 67 तक करना है एक्सरसाइज का, ठीक है। तो लगभग 2 से 3 घंटे तो नोट्स रिवाइज करना जाके, है ना। देखो जितनी देर की क्लास होती है ना, नोट्स रिवाइज करने में लगभग उतना ही वक्त लगता है, अच्छे से रिवाइज करना है, मतलब जो आज पढ़ा दिया वो आज ही जाके पूरा क्लियर हो जाना चाहिए, मतलब वो सारी चीज़ें बिना देखे खुद से सॉल्व कर लो, हर एक कंसेप्ट को समझ लो, जो थोड़ा सा आज से भी पहले का रिवाइज करने का लग रहा था वो भी रिवाइज कर लो। तो सबसे पहला टास्क होता है कि नोट्स को अच्छे से करना, और उसमें टाइम लगता है ना, पहली बार पढ़ने में बहुत टाइम लगता है, जैसे अभी तुम एग्जाम से पहले तुम्हें रिवाइज करने में 1 घंटा लगना चाहिए, जितना भी तुमने लास्ट एग्जाम से और इस एग्जाम के बीच में पढ़ा है, तो उस समय तुम्हें पूरे उतना ही 1 घंटे में रिवाइज कर लेना है, और जब तुम फाइनल एग्जाम देने जा रहे होगे तो 1 घंटे में पूरी फिजिक्स रिवाइज करनी होगी तुम्हें, तो वो टाइम जब तुम रिवीजन करते जाते हो ना तो वो टाइम कम होता जाता है एक्सपोनेंशियली, पर अभी जब तुम पहली बार करोगे, क्योंकि अभी पहली बार पढ़ोगे ना जाके, फर्स्ट रिवीजन होगा वो, तो उसमें बहुत टाइम लगेगा और उसको बहुत अच्छे से करना है, तो यहाँ पर टाइम को स्किप मत करा को, मतलब ऐसा नहीं कि बिल्कुल जल्दी जल्दी पढ़ के फिर सीधा क्वेश्चन सॉल्व करना चालू कर दिया, पहले जो क्लास में पढ़ा है उसको अच्छे से समझ जाए, और उसमें टाइम लगेगा, तो 3 घंटे की क्लास में 2 से 3 घंटे में रिवीजन करो बहुत अच्छे से, ना जो क्वेश्चंस क्लास में पहली बार में खुद से सॉल्व नहीं हुए या फिर जिसमें कुछ भी नया बताया है उन सबको फिर से एक बार करो, तभी वो अच्छे से समझ में आएंगे। उसके बाद फिर एससीबी में मैंने होमवर्क दिया है, तो कितने टोटल 18 क्वेश्चन दिए, तो वो 1.5 से 2 घंटे में वो जाने चाहिए तुम्हारे, तो 5 से 6 घंटे में मेरे ख्याल से हो जाएगा तुम्हारा, ठीक है। कितना देखो यार, 2 घंटे, चलो 2.5 घंटे मान लेते हैं एवरेज, है ना, नोट्स के रिवीजन, और 2 घंटे का ही हो रहा है होमवर्क, तो 4 से 4.5 घंटे हो रहे हैं, इससे ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। एक केमिस्ट्री हो गया, हाँ ना, तो भाई तुम्हारा देखो पढ़ने का टाइम 6.5 से 7 घंटे, 6 से 7 घंटे के बीच में तो सभी पढ़ते होंगे, देखो अगर 6 घंटे से कम कर रहे हो तो तुम्हारी तरफ से दिक्कत है, इतना टाइम बचता है ना, कैलकुलेट कर लिया मैं, तो 6 घंटे तो 6 से 7, 7.5 भी पहुँचा सकते हो, पर 6 से 7 के बीच में हो कहीं ना कहीं तो सही है, तो अगर 4, 4.5 घंटे में फिजिक्स हो रही तो बाकी सब्जेक्ट के लिए भी तो 2.5 घंटे बच रहे हैं ना अभी, देखो ये कवर करना है तो इतना तो टाइम देना ही पड़ेगा ना, बिना उसको हो ही नहीं पाएगा। और जैसे ऐसा थोड़ी है कि रोज मैं क्वेश्चन दे देता हूँ, अभी क्योंकि टॉपिक खत्म हो गया तो अब क्वेश्चन आ गए, अभी कल कोई होमवर्क नहीं था, परसों नहीं था, तो तुम ऐसे दिखा सकते हो ना कि अपने आप में सेल्फ पिटी कर सकते हो कि इतना होमवर्क दे रहे, ऐसा है नहीं, क्योंकि कई दिन होमवर्क भी नहीं होता है तुम्हारे पास, ठीक है। चलो आगे बढ़ते ना, अब हम कौन से क्वेश्चन करते हैं, पोटेंशियल टू इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। तो पोटेंशियल टू इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे करते हैं भाई, पोटेंशियल टू इलेक्ट्रिक फील्ड ई एक्स इक्वल टू
माइनस डेल वी बाई डेल एक्स ई वाई इक्वल टू माइनस डेल वी वाई डेल वाई ई जेड इक्वल टू माइनस डेल वी वाई डेल जेड एक्स स्क्वायर वाई लिखो पोटेंशियल इज एक्स स्क्वायर वाई पोटेंशियल एक्स स्क्वायर वाई है फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर ठीक है करें ई एक्स हो जाएगा तुम्हारा माइनस डेल वी बाई डेल एक्स तो क्या आ जाएगा यहाँ पे क्योंकि तुम x से कर रहे हो ना पार्शियली डिफरेंशिएट तो y कांस्टेंट है y को बाहर निकाल लिया x स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x ey माइनस डेल वी वाई डेल वाई इस बार क्या करेंगे x को कांस्टेंट की तरह ट्रीट करेंगे और y का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y 1 तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आ गई तुम्हारी क्या होती है ई एक्स आई कैप प्लस ई वाई जे कैप तो इलेक्ट्रिक फील्ड आ गई हमारी माइनस टू एक्स वाई आई कैप माइनस एक्स स्क्वायर ठीक है तो इलेक्ट्रिक फील्ड दिया तो पोटेंशियल निकाल लेंगे पोटेंशियल दिया तो इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लेंगे कोई डाउट है चलो कुछ एक आध अच्छा क्वेश्चन लेते हैं ना मतलब जिन लोगों ने इंटीग्रेशन को मास्टर कर लिया मतलब बहुत अच्छे से समझ लिया उनके लिए ये चैलेंजिंग क्वेश्चन है इसको घर से करके आना एक डिस्क है ना यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्क ठीक है रेडियस ए मान लो सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा ठीक है फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड एट द एज ऑफ द डिस्क सॉरी फाइंड द पोटेंशियल एट द एज ऑफ द डिस्क डिस्क की जो पेरिफेरी है पॉइंट पी पे पोटेंशियल क्या होगा ये निकालना है तुमको अब किस तरह से इंटीग्रेट करोगे क्या करोगे तुम्हें सोचना है